मध्य प्रदेश के नागदा में रतलाम फाटक गवर्नमेंट कॉलोनी रोड पर बनी पान गुटखे की दुकान पर कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि बड़ी मात्रा में गांजा बेचा जा रहा है, जिस पर हमारी टीम ने ग्राहक बनाकर उस दुकान में भेजा और उससे गांजा खरीदने के लिए कहा। जब उस दुकान पर जाकर वह गांजा खरीद रहा था तो हमारे कैमरे में सब कैद हो गया। हमने देखा एक नाबालिग दुकान पर सरेआम गांजा बेचता हुआ दिखाई दिया। जब उस दुकानदार बालक को भनक पड़ी तब दुकान छोड़कर भाग गया और अपने पिता राजू को घर जाकर बताया। पिता राजू ने नशे की हालत में डंडा और धारदार हथियार लेकर गुस्से में पहुंचा और जिस व्यक्ति ने कैमरे के सामने शिकायत की उसे मारने दौड़ा और मीडिया से भी गाली गलौज की। अब सवाल उठता है, क्या इन लोगों को शासन प्रशासन का जरा भी भय नहीं रहा या ये सब मिली भगत से चलता है? खैर जो भी हो, अब ये देखना है प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब करता है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। ये यहाँ पे गांजा बेचा जा रहा है, ये राजू का गांजा बेच रहा है, उसका लड़का बेचता है, दोनों लड़के हैं उसके। अच्छा। दिन में भी गाली गुप्ता कर रहा था, इस कारण मैंने शिकायत करी। अच्छा। इस कारण आपको बुलाया कि भैया कैमरे में इसको कैद कर लो। अच्छा, कई कितने दिन से चल रहा है ये सब? ये कम से कम मान के चलो 5 से 6 महीने से गांजा बिक रहा है, डेली बिकता है और डेली की डेली पूरी फड़ी बैठती है छोरों की, जरा जरा से स्कूल के बच्चे कोचिंग के बच्चे गांजा पीते हैं। अच्छा, तो ये पुलिस वालों को किसकी मतलब रिपोर्ट नहीं करी आपने? पुलिस वालों को बताया नहीं उनके बारे में? भैया पुलिस वालों को लगाया था फोन, बोले आते हैं अभी कहीं नदी में कोई बालक डूब गया था वहाँ रूटी में। अच्छा अच्छा, और आते हैं तो इधर उधर ही फेंक देता गांजा, उनको मिलता नहीं, वो चले जाते हैं। सर अभी जो ये वीडियो वायरल हुआ है इसका गांजा बेचते हुए, उसके ऊपर सर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? मैम आपके द्वारा हमें जानकारी मिली है, अभी इसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं। सर ये कब तक हो जाएगी कार्रवाई? आज ही दिन रजिस्टर निकलते हैं जब फोर्स लेके चले, है ना। और अगर मान लो सर अगर ये गांजा बेचते पाए जाते हैं तो इनको क्या क्या मतलब क्लब प्रकरण दर्ज करके, है ना, इनके क्लब कार्रवाई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।